सिद्धार्थनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी को दी 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात, मेडिकल कॉलेज का किया लोकार्पण। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन, अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर में की पूजा, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार के मंत्री का विवादित बयान, कहा राष्ट्रवाद और आतंकवाद पर होगा 2022 का चुनाव, आतंकवाद का समर्थन करने वाले बीजेपी को नहीं देंगे वोट। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी, 15,000 से कम आए कोरोना मामले, मौत का आंकड़ा 400 से ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। साथ ही वहीं से एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर के मेडिकल कॉलेजों को भी उन्होंने डिजिटल माध्यम से लोकार्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को दूरदर्शी नेतृत्व मिला है। योगी ने दावा किया कि आज दिमागी बुखार से होने वाली मौत में 95% तक नियंत्रण किया जा चुका है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज यूपी के दौरे पर हैं, ऐसे में वो सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां पर 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात उन्होंने पूरे प्रदेश को दी है। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर गए गृह मंत्री आज अपने दौरे के अंतिम दिन श्रीनगर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने लोकप्रिय खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की, उन्होंने माता की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। आपको बता दें, आज वो श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। रविवार को शाह ने जम्मू का दौरा किया था, वो मकवाल बॉर्डर पहुंचे थे, वहां पर लोगों और सैनिकों से उन्होंने बातचीत की थी। उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। तो ऐसे में अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में समय हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, जहां पर वो आज सुबह खीर भवानी मंदिर भी पहुँचे, वहाँ पर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और माता की आरती भी की। यूपी में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में तमाम दलों के नेता अपनी बयानबाजी से सियासी माहौल को और गर्म कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विवादित बयान दिया है। दरअसल बीजेपी के मुजफ्फरनगर में पाल समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कपिल देव ने कार्यक्रम के मंच से विवादित बयान दे दिया। कपिल देव ने कहा कि 2022 का चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे और जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम करते हैं वो अन्य पार्टी को वोट देंगे। कपिल देव अग्रवाल ने इस दौरान कश्मीर के हालात को लेकर भी अपनी टिप्पणी की। कपिल देव ने कहा कि जब कश्मीर में आतंकवादी हमारे जवानों को मारते थे तो तब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जाकर घुटने टेकते थे, भीख मांगते थे कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमारी जान बचाओ। लेकिन आज अगर कोई हमारे जवानों पर हमला करता है तो उसे सबक सिखाते हैं हमारे जवान। कपिल देव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बार नहीं बल्कि दो बार उनके 400 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया है। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवादी को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रवाद के ऊपर होगा, राष्ट्रभक्त पार्टियां, राष्ट्रभक्त लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ऐसा मुझे निवेदन भी है। और
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दौरे पर हैं। वहीं सीएम के अयोध्या दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि केजरीवाल सोमवार को अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वो लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं शाम को वो अयोध्या जाएंगे और सरयू नदी के घाट पर होने वाली आरती में शामिल होंगे। अयोध्या में रात्रि विश्राम के बाद वो मंगलवार को हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल लंबे समय के बाद यूपी पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड और गोवा की तरह आप उत्तर प्रदेश में भी आपकी तरफ से चुनावी वादे कर सकते हैं। तो आपको बता दें केजरीवाल आज यूपी के अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। दो दिवसीय उनका दौरा है, जहां पर वो रामलला के दर्शन भी करेंगे और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से उत्तराखंड और गोवा में उन्होंने चुनाव को लेकर जनता से वादा किया फ्री बिजली फ्री पानी देने का, वही वादा वो उत्तर प्रदेश की जनता से भी आज कर सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले ने समीर वानखेड़े का खुलकर समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप आधारहीन है और शरारतपूर्ण है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि वानखेड़े को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचे और उनकी जान का कोई भी खतरा ना हो। आपको बता दें कि शाहरुख खान को उन्होंने सलाह दी है कि वो आर्यन खान को एक महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजे। रामदास अठावले ने कहा कि हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी हुई है। समीर वानखेड़े पिछड़ी जाति से आते हैं, इसीलिए नवाब मलिक बार बार समीर वानखेड़े का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। वानखेड़े पर लगे आरोपों में तथ्य नहीं है। मेरा शाहरुख खान से निवेदन है कि आर्यन खान को सुधारना चाहिए। मेरी सलाह है कि उन्हें एक दो महीने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना चाहिए, इससे वो ड्रग्स से मुक्त हो सकते हैं। बेगूसराय के बकरी थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद हंगामा और मारपीट कर रहे लोगों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बेगूसराय का पूरा मामला है, जहाँ पर पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें कि ये मारपीट हुई है दो पक्षों में और ऐसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस पूरे मामले में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है। मुजफ्फरनगर के कटरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची को मानव तस्करी कर ले जा रहे तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया है। मौके से अंतर्राज्यीय गिरोह के दो तस्कर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कटरा थाना की दरोगा वर्षा कुमारी ने बताया है कि कटरा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के पिता को इन सभी में मिलकर भेला फुसला लिया था और हरियाणा ले जाकर अच्छा काम करवाने की बात कही थी। इसमें बिचौलिए का काम दोनों महिलाओं ने किया था। ये दोनों पहले से उस बच्ची के घर वालों के संपर्क में थी। इसके बदले में हरियाणा के तस्करों ने इन्हें 50,000 रुपये महिलाओं को दिए थे और 30,000 रुपये एडवांस भी दे दिए थे। ऐसे में शेष रुपए बच्ची के सकुशल हरियाणा पहुंचने पर देने की बात तय हुई थी। बच्ची को कटरा इलाके में एक मकान के कमरे में रखा गया था। शनिवार को उसे लेकर रवाना होने वाले थे, लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई कि कुछ गलत काम हो रहा है। उन लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और कटरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर मौके से बच्ची को छुड़ा लिया और पाँच तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुजफ्फरनगर का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि एक बच्ची को
हरियाणा ले जाया जा रहा था और इसके बदले में महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जा रहे थे तस्करों की तरफ से। लेकिन जैसे ही वहां के आसपास के लोगों को इस बात की भनक हुई कि वहां पर कुछ गलत काम हो रहा है, वहां के लोगों ने पुलिस को इसकी मामले की जानकारी दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो बच्ची को सकुशल बचा लिया गया, साथ ही दो तस्करों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रोहतास के ब्लॉक मुख्यालय स्थित गायत्री मंदिर के परिषद में शाहबाद महोत्सव आयोजित करने को लेकर आयोजन समिति की एक बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम उपस्थित हुए। आपको बता दें कि 3 से लेकर 5 दिसंबर तक रोहतास गढ़ किला पर शाहबाद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी लगातार तैयारियां चल रही है। आयोजन समिति के अध्यक्ष अखिलेश कुमार भी इस दौरान वहां पर उपस्थित रहे। तो रोहतास में यह आयोजन समिति की एक बैठक हुई है और ऐसे में इस बैठक कुल में लेकर महोत्सव की जो तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि यह महोत्सव 3 से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा और ऐसे में इस योजना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पर्यटक और संस्कृति को ध्यान में रखा जाएगा। और इसीलिए इस समिति की एक बैठक की गई, जिसमें पूरी चर्चा की गई कि किस तरह से महोत्सव का आयोजन कराना चाहिए और महोत्सव में क्या कुछ होगा, उसको लेकर पूरी तरह से इस बैठक में चर्चा की गई थी। देश में हर दिन करीब 15,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 14,306 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 443 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 18,762 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी कि 4,899 एक्टिव केस कम हो गए हैं। ऐसे में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,41,89,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 4,54,712 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और ऐसे में देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम है और कुल 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कासगंज में दिन पर दिन बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला थाना सेठपुरा क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले का है, जहां कुछ बेखौफ बदमाशों ने दिन में दहाड़े घर में घुसकर लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया, साथ ही जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो कासगंज का यह पूरा मामला है, जहाँ पर लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है और ऐसे में घर में लाखों की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसके बाद अब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और बदमाशों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि लूटपाट को अंजाम दिया गया है और घर में रखे जेवरात और पैसे लेकर बदमाश वहां से फरार हो गए हैं।
कटनी जिले के रंगनाथ नगर थाना अंतर्गत उपनगरीय क्षेत्र बनगवा में कल मामूली विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष में 14 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी हाथों में तलवार लिए इलाके में घूम रहे हैं और एक घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कटनी की, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया और इस खूनी संघर्ष में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक की इलाज के दौरान जान चली गई है। और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है इस वीडियो में कि किस तरह से एक पक्ष के लोग एक घर पर हमला कर रहे हैं, लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया जा रहा है उस घर पर। हालाँकि मामला क्या था, किस वजह से ये पूरा विवाद हुआ है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मामूली सी कोई बात थी जिसको लेकर दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए थे। कल बरगवा स्थित इमामबाड़ा है, वहाँ पे दो पक्षों में वाद विवाद हुआ था। इमामबाड़ा में एक महिला रहती है, उसकी बात को लेकर जिसमें दोनों पक्षों को चाकूबाजी हुई थी और चोटें आई थी दोनों पक्षों में, जिसके चलते काउंटर मामला कायम किया था। एक पक्ष से एक शेख मुकीम नाम है, इनको पेट में चाकू लगी थी, जो सीधे अस्पताल में जाके भर्ती हुए थे, जिनकी इलाज दौरान आज मृत्यु हो गई है और उनका मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसमें धारा बढ़ाई गई। झगड़े की वजह है इमामबाड़ा में एक महिला नगीवा बेगम करके है, वो वहाँ रहती थी और दूसरे पक्ष का ये कहना था कि वहाँ पे पूजा करने की जगह है, वहाँ पे मत रहो। मथुरा में रोजाना बढ़ते डेंगू के मरीजों ने जहां जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है, वहीं शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू बुरी तरह से लोगों का को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वहीं डेंगू के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन भी अब बेचैन दिखाई दे रहा है। तो मथुरा में एक बार फिर से डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है, डेंगू के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और प्रशासन बेचैन नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय लगातार वायरल फीवर और डेंगू के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है कि किस तरह इन मामलों पर काबू किया जाए, किस तरह से इन मामलों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि लगातार यूपी के कई जिलों से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग और बच्चे बीमार हो रहे हैं इस डेंगू और वायरल फीवर की वजह से। डेंगू जो जनपद में है, ये हम बराबर हमारी टीम गांव-गांव जाके बुखार के मरीज चिन्हित कर रही हैं और गांवों में ही हम हेल्थ कैंप लगाकर वहां उनका उपचार सुनिश्चित कर रहे हैं और रक्त के नमूने जांच के लिए लेके हम जांच के लिए भिजवा रहे हैं। और हमारी जो मलेरिया मच्छर रोधी जो टीम है, वो हमारा मलेरिया विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और गांव-गांव जा रही हैं हमारी टीमें, सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रही हैं और तुरंत उसमें जो भी मच्छरों के लार्वा इत्यादि हैं नालियों में दवा का छिड़काव करती हैं। और हमें भी कई जगह से सूचना प्राप्त हो रही है और हम इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत मरीजों का उपचार और मच्छर रोधी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की कासा थाना पुलिस ने दो दिन पहले मोबाइल पार्ट्स की लूट का खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही अपराधी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो नोएडा का पूरा मामला है जहां पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 3 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों से मोबाइल समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। मोबाइल पार्ट्स इनके पास से बरामद हुए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि ये तीनों ही आरोपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। थाना कासना अंतर्गत आज 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 21 तारीख को सिरसा कट के पास से बदमाशों के द्वारा एक ट्रक जो मोबाइल पार्ट से भरकर जा रहा था, उसको रोक करके उसको लूट लिया गया था।
पुलिस की सक्रियता से तत्काल उसकी घेराबंदी की गई थी। अभियुक्त भाग गए थे। आज जो है तीन अभियुक्त उसमें से गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त जो आयसर ट्रक है वो पिस्टल, चाकू, कारतूस, मोबाइल के पार्ट्स ये बरामद किए गए हैं। एक तरफ जहां नए कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, तो वहीं अब बीजेपी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसानों को साधने के लिए गांव-गांव जाकर ग्राम किसान चौपाल का आयोजन कर किसानों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी के चलते बदलपुत मंडल के जलालपुर गांव समेत अन्य कई गांवों में भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से ग्राम किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री नवाब सिंह नागर किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर ने किसानों को सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हमारी पार्टी के कार्यक्रम हैं और इसमें पार्टी की तरफ से आदेश है कि हम सब किसानों के बीच में जाएं, किसानों के साथ वार्ता करें, उनके साथ अपना तालमेल बनाकर चलते रहे हैं। आज उनके सामने अपने प्रदेश की और केंद्र की जो किसानों से संबंधित बातें हैं वो उनके संज्ञान में लाएं और उनको याद दिलाएं और जो आगे हम करने वाले हैं उसके बारे में भी लोगों को बताएँ। तो विशेष रूप से इसी के लिए आज के कार्यक्रम था और इसमें हम लोगों ने बताया है कि हमारी योगी जी की सरकार ने सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट में ही ये किया कि उन्होंने 36,000 करोड़ का जो किसानों का कर्जा था वो माफ़ किया। वो लगभग 86 लाख किसानों का कर्जा था, उन्होंने पहली कैबिनेट में ही माफ़ किया। नागर साहब, ग्राम किसान चौपाल का आयोजन किया गया है, क्या मकसद है ग्राम चौपाल आयोजन करना? अभी जो है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की तरफ से प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 15 तारीख से ये अभियान जो है किसान चौपाल का पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसका उद्देश्य जो है पूरे प्रदेश में जो हमारे केंद्र के और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक कितनी पहुंच रही हैं, कैसे पहुँच रही हैं और उनके कितने बेनिफिट्स हमारे जो है प्रदेश के और देश के वासी उठा रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे रोजगार से संबंधित है, चाहे केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं। शामली के थाना भवन ब्लॉक के गांव भनेड़ा गांव में दर्जनों लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, जिनका इलाज आसपास के जनपदों के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों की माने तो ज्यादातर लोग अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करा रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं तो कुछ लोग अपना इलाज करा कर गाँव में वापस लौट आए हैं, लेकिन गाँव में साफ सफाई और फॉगिंग व्यवस्था सही न होने की वजह से गाँव में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो शामली में भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग कुछ सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं तो कुछ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराकर वापस गांव लौट आए हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार ना तो साफ सफाई पर प्रशासन और नगर निगम का ध्यान जा रहा है, ना ही फॉगिंग का काम वहाँ पर किया जा रहा है। फॉगिंग न होने की वजह से और साफ सफाई न होने की वजह से लगातार शामली में भी डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे गांव में 7 या 8 मरीज डेंगू के थे जी, सहारनपुर या शामली में उनका उपचार चल रहा और वो खतरे से बाहर हैं और हम भी प्रयास कर रहे भाई शाम को एक तो पूरी भाव के कपड़े पहनो, एक पानी अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें और भाई पहले भी फोकिंग करवाई थी और अब चाह रहे अब भाई आज या कल में फिर फोकिंग कर दें। और एक भाई सफाई कर्मचारी नहीं है, हमने कई बार ब्लॉक में भी कह चुके हमारे लिए सफाई कर्मी नहीं आ रहा, हमें गांव में गंदगी बहुत दिक्कत आ रही। तो इस चीज़ की शिकायत किससे करी आपने? हमने एडीओ से करी, वीडियो से करी थी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा अब जी ठहर जो आप व्यवस्था करवाओगे, व्यवस्था कोई होने नहीं। हमारे गांव में लगभग 7-8 मरीज फिलहाल एक्टिव होंगे, जिनमें से जो है कुछ सहारनपुर से इलाज करवा के वापस आके रिकवरी हो गए हैं, शामली से आए हैं वे रिकवरी हो गए हैं। फिलहाल जब मौके पे अभी भी 4-5 व्यक्ति अभी भी जो है एक्टिव होंगे। और
फॉगिंग की क्या व्यवस्था है गांव में, साफ सफाई व्यवस्था क्या है? जी फॉगिंग की है कि फॉगिंग प्रधान जी जो हमारे वर्तमान हैं, इन्होंने पहले इंतजार ली है, इन्होंने कराई थी एक दो बार कराई, अभी फिर कह रहे हैं भाई कराएंगे हम। और साफ़ सफाई के लिए हम ये चाहते हैं कि साफ सफाई के लिए पहले हमारे पास गाँव में कर्मचारी था, अभी जो है कर्मचारी वो कैसे गया, कर्मचारी फिलहाल हमारे यहाँ है नहीं। साफ़ सफाई की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, और गांव में साफ़ सफाई ना होने कारण ये तो डेंगू तो है ही है, साथ में मलेरिया वाइवैक्स है, फाल्सीफेरम है, उस तरह के टाइफाइड वगैरह की ये भी बीमारी काफ़ी हद तक जो है फैल रही है। हम तो ये कहते हैं भाई जो साफ़ सफाई के लिए अपना ब्लॉक स्तर बी डी ओ साहब हैं या ए डी ओ साहब हैं या सी डी ओ साहब कोई भी है अपना, भाई यहाँ पर हमारे सफाई कर्मचारी मुहैया कराएँ ताकि जो इन लोगों से हमारी छुट्टी हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।